हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिनल शो। आज हम फिल्म रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है सिम्बा, डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी एंड स्टारिंग रणवीर सिंह, सोनू सूद एंड सारा अली खान। तो कैसी है फिल्म, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सिम्बा 2015 में आई तेलुगु फिल्म टेम्पर का एक ऑफिशियल रीमेक है। वैसे फिल्म पूरी की पूरी कॉपी नहीं है, पर फिल्म में कुछ कुछ सीन्स और सिचुएशन ओरिजिनल फिल्म से काफी मिलते जुलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ बात फिल्म की स्टोरी की जाए तो फिल्म की स्टोरी बेस्ड है शुगर में रहने वाला एक करप्ट कॉप जिसका नाम है भालेराव संग्राम, जो रोल प्ले किया है रणवीर सिंह ने, जो बचपन से ही एक कॉप बनना चाहता था और वो विक्रांत यानी सोनू सूद के लिए काम करता है। एंड विक्रांत शिवगढ़ एरिया का काफ़ी पावरफुल इंसान है, इसलिए भालेराव विक्रांत और विक्रांत के भाइयों को हर बार हर गुनाहों से बचाता है। एंड उसके लिए विक्रांत भालेराव को अच्छे खासे पैसे भी देता है। एंड इन सबके बीच में भालेराव का एक लव इंटरेस्ट भी है जिसका नाम है प्रिया बख्शी, जो रोल प्ले किया है सारा अली खान ने। एंड सब स्टोरी आगे बढ़ती है एंड एक दिन विक्रांत के ही आदमी एक लड़की का रेप कर देते हैं। एंड फिर बाद में पता चलता है कि जिस लड़की का रेप हुआ है वो भालेराव उस लड़की को अपनी बहन की तरह मानता था। एंड देन क्या आगे भालेराव विक्रांत से कैसे बदला लेगा, क्या सिचुएशन आगे क्रिएट होती है, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी फिल्म सिम्बा। सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ बात फिल्म के एक्टिंग परफॉर्मेंस की जाए तो नो डाउट रणवीर सिंह इज एक्सेल एज अ करप्ट ऑफिसर संग्राम भालेराव। मतलब जब जब स्क्रीन पर रणवीर सिंह आते हैं फिल्म में एक अलग एनर्जी आ जाती है। एंड उनके एक्शन सीक्वेंस हो या उनके ड्रामा वाले सीन हो या उनके कॉमेडी सीन हो, ये सभी चीज़ें उनके कैरेक्टर के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट मैच होती है। एंड मूवी के मेन विलन के रोल में सोनू सूद एज अ विक्रांत ने जो काम किया है वो आउटस्टैंडिंग है। मतलब उनके रणवीर सिंह के साथ चेजिंग सीन हो या उनकी डायलॉग बाजी हो, ये सभी चीज़ें उनके कैरेक्टर को बिल्कुल परफेक्टली मैच होती है। एंड फिल्म के फीमेल लीड की बात की जाए तो सारा अली खान का मूवी में इतना ही रोल है जितना सिंघम में काजल अग्रवाल का था, सिंघम रिटर्न्स में करीना कपूर का था। हाँ, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल कम है, पर उन्होंने जितना भी काम किया है वो बखूबी काम किया है। एंड फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट की बात की जाए तो सिद्धार्थ यादव हो या आशुतोष राणा, ये सभी को एक्टर्स ने काम तारीफ काबिल किया है। एंड फिल्म में गोलमाल टीम का भी एक केमियो है आंख हमारे सॉन्ग में। एंड फिल्म के क्लाइमेक्स में जब डीसीपी सिंघम यानी कि अजय देवगन की एंट्री होती है फिल्म में, एक अलग एनर्जी आ जाती है। मतलब ओवरऑल फिल्म एक्टिंग परफॉर्मेंस में हमें बिल्कुल निराश नहीं करती। सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ बात फिल्म के डायरेक्शन की जाए तो फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने। एंड रोहित शेट्टी ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में डायरेक्ट किया है जिसका नाम मुझे लेने के बिल्कुल जरूर नहीं है, आपको याद ही होगा। और इस फिल्म में उनका डायरेक्शन बिल्कुल ज़बरदस्त है। मतलब फिल्म में इमोशन और कॉमेडी के बीच में बिल्कुल परफेक्टली उन्होंने पेस बना के रखा है, जिसकी वजह से मूवी आपको एक सेकंड के लिए बोर नहीं करती, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है फिल्म के डायरेक्शन को। एंड फिल्म की लेंथ ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की है। फिल्म का फर्स्ट हाफ ज़बरदस्त है एंड फिल्म के सेकंड हाफ में थोड़े सीन एडिट हो सकते थे, बट फिल्म का क्लाइमेक्स आउटस्टैंडिंग है, ब्लॉकबस्टर क्लाइमेक्स है जिसकी वजह से आपका पैसा वसूल हो जाएगा। एंड मूवी में के एंड में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी है जो मैं यहाँ रिवील करना नहीं चाहता, वो आप थिएटर में देखोगे तो आप सीटी मारने पर मजबूर हो जाओगे। एंड फ्रेंड्स, फिल्म का म्यूजिक तो पहले से ही हिट है, चाहे वो आंख मारे सॉन्ग हो या राहत फतेह अली खान साहब ने गाया हुआ तेरे बिन सॉन्ग, ये सभी सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं और फिल्म में भी काफ़ी अच्छी सिचुएशन के साथ इसे प्ले किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल सिम्बा इज पैसा वसूल फिल्म। मतलब फिल्म में आपको रोहित शेट्टी स्टाइल एक्शन कॉमेडी और इमोशन का जबरदस्त डोज मिलेगा, तो आपको फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। एंड फ्रेंड्स, ये थे मेरे ओपिनियन फिल्म सिम्बा के बारे में। आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे अच्छे मूवी रिव्यू के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।